सिर्फ एक बात ने मुझे हीरो बनाया, विनोद एक्टिंग नेचुरल होती है, माँ है तो माँ की फीलिंग लाना, और बेबी है तो बेबी की फीलिंग लाना, और गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की फीलिंग लाना। मैं सब कुछ भूल गया था, सीनियर हैं नई हैं पुरानी में कुछ नहीं जानता, मैं सिकंदर सर की एक बात को माना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तोहरा के ओ विजय ना ई विजय पसंद रहा जो उन सामने खड़ा बा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। हम सभी जानते हैं कि भोजपुरी फिल्में आजकल बहुत चलती हैं और बहुत बनती भी हैं। पिछले कुछ सालों से ये दौर इतना अच्छा चला है कि नए नए कलाकारों को मौका मिला है, नए नए लोगों को फिल्म बनाने का मौका मिला है। इससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक बदलाव आया है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। इसी बात का आज हम बातचीत करेंगे अपने वीडियो में, जिसमें मेरे साथ आए हुए मेन लीड करे हैं विनोद यादव गुंडा। वेलकम टू जॉइनफिल्म्स। ये जो मेन लीड होता है ना, इसको सोचना तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे मिल गया मेन लीड? लीड तो बहुत आसान है, वैसे मुंबई आना बहुत आसान लोगों को लगता है, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट था। मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री से आता हूँ, अपना एजुकेशन का काम करता हूँ, तो सपना था एक छोटा सा कि ऐसे एक दोस्त था, बोलो चलो क्या नाम है, एक शॉर्ट मूवी बनाते हैं और एक शराब के ऊपर, शराबियों के ऊपर, शराब नहीं पीना चाहिए। वो चलो ठीक है, तो शुरुआत वहीं से हमारी सोच में है कि मुझे फिल्म में, मतलब एक वो था कि शराब के ऊपर ऐसे ख़त्म करना है, एक अवेयरनेस की तरफ स्कूल के बच्चों को दिखाने के लिए। तो हमने एक छोटे मोटे डायरेक्टर होते हैं, उनको हमने बोला कि भाई एक हमारी 10 मिनट की स्क्रिप्ट है, इसको एक वीडियो शूट करना है और इसको बनाना है, और शराबी के ऊपर जो बच्चे को, नए बच्चे शराब ना पिए उस पर करना है। ओके। और एजुकेशन को मैं उसको डेवलप करना चाह रहा था, ये मेरी सोच थी। अब वो बोले कि 40,000 रुपये लगेंगे। हम कहा ठीक है। कहाँ पे, कहाँ की बात? ये दिल्ली की कहानी है। ओके, दिल्ली। और 40,000 रुपये हमने उनको दे दिए। ओके। और 40,000 के बाद जब बोले परसों शूट होगा, और उस दिन उसने क्या किया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, फेसबुक पे अपलोड कर दिया। तो मेरा भी एक इमेज है गांव में, बहुत मेहनत से गरीबी से उठा, तो सब लोग जानते हैं, बाई फेस बाई नेम जानते हैं। तो जब सब बोले कि अच्छा विनोद हीरो बन गए, विनोद जी हीरो बन गए, वो तो दिमाग में हीरो बन गए। और मेरी कहानी ये थी कि मुझे शराब के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, और जब मैं परसों शूटिंग के लिए वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना ऑफिस था ना वो डायरेक्टर, कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, वहाँ ताला पड़ा था। पता चला कि कल ही खाली करके गए। ओहो, 40,000 के साथ, 40,000 के साथ, और आपके हीरो बनने के सपने को भी ताला लगा के। फिर मैं एक दोस्त के साथ मुंबई घूमने आया था, ऐसे जनरली हम चलो घूम के आते हैं। आए तो मुंबई में बस फिल्मों की बातें चलती हैं, हीरो हीरोइन ए वो। बिलोंग में पूर्वांचल का रहने वाला, तो भोजपुरी का जिक्र अधिक करता था, तो कि कोई बोला कि देखिए रवि किशन इतना बड़ा स्टार बन गए, मनोज जी, मनोज तिवारी जी इतना बड़े स्टार बन गए। और मेरे मेरे को दिमाग में 40,000 आ रही थी कि वाला धंधा यहाँ भी होता है क्या, मतलब ऐसे दिमाग में ना था, तो वो डर बैठ गया था, वो डर बिल्कुल बैठा हुआ था। और मैं को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था फिल्म इंडस्ट्री पे, 1% ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरे को 40,000 मर गए थे। मैं बच्चों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा था, वो चला गया था। मैं आया तो एक लोखंड वाले अंदाज कॉफ़ी दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहा था, ऐसे मुलाकात हुई बात पीने की। तो वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी बैठते, मुझे क्या पता कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही बैठते, मैं बैठ के वहाँ बुराई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सब चीज़। तो मैं बहुत, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैं किसान थे और मैं गरीब फैमिली से आता हूँ, शुरू से ही मेहनत किया, तो मेरे लिए एक एक रुपये दिखता था, सपने बड़े थे लेकिन अपने बैलेंस में रह के काम करता था। मैं सबसे बड़े धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा, जितना बोलूँ मैं आभार व्यक्त करता हूँ सिकंदर सर का, जो सिकंदर खान प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझे जगह दिया। और कैसे सेलेक्ट किया उन्होंने आपको? मैं जनरली चाय पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था, बात पिक्चरों की वही चल रही, तो मैंने बोला कि अरे यार ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को 40,000 मर गए थे, देखो जनरली बोला, तो बस सुनते रहे होंगे। तो आए बोले कि विनोद जी आपका नाम क्या है? नाम पूछो। बोले आपका नाम क्या? मेरा विनोद यादव। तो बोले आपको हीरो बनने आए हैं? हीरो बनना, आपको हीरो बनना चाहते हैं? फिर मेरी 40,000 बात याद आई, जैसे हीरो का नाम है फिर 40,000 बात, हम कहे कि दिल्ली से बाद मुंबई में बड़ा सपना हो गया लग रहा है, अब 40 की जगह 4,00,000 जाने हैं, मतलब मन में वही डर था। बोले कि, मैं बोला कि नहीं सर मुझे हीरो नहीं बनना है और मैं घूमने आया हूँ। बोले मेरा कार्ड है, नंबर है, और क्या नाम है, आप समझिएगा, और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जैसे आप जैसे लड़के की मुझे नए टैलेंट की ज़रूरत है और नए चेहरे की ज़रूरत है, मैं उसमें आपको, आप मेरे हिसाब से आपको फिट बैठेंगे, आप एक बार सोचिएगा। मेरा भी नंबर उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। मैं यूँ गई, मैं सोच गई उस समय, तो भूल गया कि चलो ठीक है कोई आया कोई कहा गया होगा। लेकिन मैं जो रात को जब होटल पहुंचा तो मैं रात भर नींद नहीं आई कि अक्षय कुमार भी होटल में काम करते हुए स्टार बने थे,
कहीं वो दिन तो नहीं आने वाला है, मतलब ऐसे दिमाग में 20 सारे ख्याल आते हैं। फिर मैं चला गया, दो दिन बाद हम लोग दोस्तों घूमे फिर चले गए। 4 दिन बाद कॉल आई मेरे पास, विनोद जी मैं सिकंदर खान बोल रहा हूँ। हम कहे जी सर, बोले कि आपने कुछ डिसाइड किया? और 4 दिन बाद फोटोशूट होना है फिल्म का, और मैंने कहानी सेलेक्ट कर ली है, आइए आपका फोटोशूट करा देता हूँ। मैं घर में डिस्कस किया, सपने में जीने लगा। उस दिन जब बोले कि फोटोशूट, दोबारा जब कॉल आई तो मेरे सपने जागने लगे। फिर हो सकता है विनोद एक बार सही है, जाने में क्या है, जहाँ 40,000 वहाँ 4,000 किराया, आने जाने में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर होता तो ठीक है और पीछे नहीं तो। घर में जब फिर मैं किसी डर के मारे बताया नहीं कि ये बार मजाक बन चुका है वो शॉर्ट मूवी को लेके, और दोबारा कहीं बताया तो बोला कि ये दीवाना हो गया है, वो कहता है ना दीवाना। सही बात, सही। मैं किसी से कुछ नहीं बताया, बैग पैक किया, मैं घर में फैमिली को भी कुछ नहीं बताया, कहाँ जा रहे हैं, मैं मीटिंग में जाना है मुझे मुंबई, कुछ काम है, परसों तक आ जाऊँगा। टिकट किया, मैं चला आया, मुलाकात किया, मैं वही अपनी एक नॉर्मल लाइफ आया। मेरे पास एक वो भी चीज़ नहीं था कि मुझे क्या करना है। सर ने मेरे कपड़े खरीदे मेरे लिए उस दिन जाके अंधेरी में, और फोटो शूट कराया, पूरे स्टूडियो में दिन भर शूट चला। जब वो अपने पैसे से कपड़े खरीदा मेरे लिए, 35,000 रुपये के कपड़े लगे थे फोटोशूट में, अलग अलग जीन्स, अलग अलग टी शर्ट, जैकेट, टे वो, तो मेरे को विश्वास हुआ कि अगर कोई 35,000 रुपये अपने पास से खर्च करके मेरे को कपड़े खरीद के दे रहा है और शूट करा रहा है। फिर बोले विनोद जी ये कपड़े पहन के अब यही कपड़े पहन के जाइएगा। एक जो हीरो का कपड़ा था, भले मैं नॉर्मली पैंट शर्ट पहनता था, एक फॉर्मल रहता था, तो उस दिन से मैंने बोला कि और मेहनत, फिर दिमाग में जिज्ञासा जगने लगी कि नहीं मुझे करना चाहिए और फिल्म जो है मेहनत करूँगा मैं। बोले सर अगर आपने, फिर मैंने बोला सर जैसे आपने मेरे को भरोसा जताया मेरे ऊपर, उम्मीद पर खड़े उतरूँगा। बोले ठीक है। फिर मैं उस दिन से जा करके और बंद कमरे में, किसी को बताता नहीं था कि मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ या कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो बंद कमरे में मैं अपना लिपसिंग सीखता था। okay. और कभी कभी अकेले में खेत में जाता था, जब वहाँ कोई नहीं रहता था, कोई देख ना ले, वहाँ मैं फाइट सीखता था आपस में, या मतलब वो चीज़ वो फीलिंग लाता था फाइट की चीज़ करने की। और सर मेरे को फ़ोन पे स्टेप बताते थे सिकंदर सर कि विनोद जी आप ऐसे करो और फुल कॉन्फिडेंस में रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आमिर खान भी रिटेक लेते हैं, अमिताभ बच्चन साहब भी रिटेक लेते हैं, और आप हीरो बनेंगे और हीरो के लायक है। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत बार बैक होने की कोशिश किया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लग रहा है मेरे को ये सब चीज़ें मौत नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन एक होता कि एक जुनून, सिकंदर सर का जो जुनून था कि विनोद को हीरो बनाना है। आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी एक्टिंग की? मैंने कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। okay. कोई भी ट्रेनिंग मेरा नहीं था। जब मेरा फोटो शूट हुआ तो मैं उसको फीलिंग अपने लाने में कोशिश करने लगा, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस शुरू किया। मतलब गाने सर ने भेजा मेरे को, जैसे गाना रिकॉर्ड हुआ उसके बाद गाने मेरे पास है, बोले इस पर प्रैक्टिस, मैं घर में प्रैक्टिस करने लगा। फाइट मास्टर जावेद जी थे, फाइट सिखाया उन्होंने ऑन लोकेशन। एक्टिंग में मैं जो किया उसका डायरेक्शन डॉक्टर जो इकबाल बख्श जी ने जो डायरेक्शन दिया उस पर काम किया मैंने, और जो आर्टिस्ट थे सबने, जो हमारी 150 लोग की यूनिट थी वो बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। किसी ने ऐसा ट्रीट मेरे साथ ट्रीट नहीं किया कि मैं नया हीरो हूँ और किसी ने रेटे या उल्टा सीधा गाली, बस कोई बात नहीं, विनोद जी, विनोद भैया, दो वर्ड बात होती थी, विनोद भैया ऐसे करो और अच्छा निकल गया, विनोद भैया ऐसे करो और निकल के आएगा। एक सिकंदर सर की जो रेपुटेशन और रिस्पेक्ट थी यूनिट में वो कमाल की थी, वो अलग थी। ओके। मैं पहले मैं कभी भी मतलब सब जैसे सुनता था कि डायरेक्टर गाली बकते हैं या वो आपको सेट पे इज्जत नहीं करते हैं, किसी आर्टिस्ट की ऐसे मतलब उल्टा से डांटते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे को नहीं देखने को मिली। उन्होंने सबने बोला कॉन्फिडेंस से काम करो विनोद जी, आप और अच्छा निकल के आएगा, मेरे को रिजल्ट चाहिए। ओके। रिटेक भी दिया। और विनोद अपने हिसाब से प्रैक्टिस की, फिर वो परफॉर्मेंस की, फिर आपने डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दिया, जैसा उन्होंने चाहा वैसा आपने उनको आउटपुट दिया। मेरे को 20 किलोमीटर दौड़ाया। ठीक है। हाँ, मेरे को 20 किलोमीटर दौड़ाया। पहले दिन पहुंचते क्लाइमेक्स लगा दिया, और मेरे को क्लाइमेक्स के बारे में भी शेड्यूल नहीं पता था, क्लाइमेक्स होता क्या और कैसे होगा, नहीं कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या मेरे अंदर देखा। सिकंदर सर ने बोला कि नहीं, जो करोगे सबसे अच्छा करोगे, जो मेरा करेक्टर है मूवी में, फिल्म में जो मेरा करेक्टर है वो मेरी रियल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड है। राइट। और यही एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की एक आंख होती है कि वो समझ जाता है कि यार इस करेक्टर में ये बंदा फिट बैठेगा। हाँ। वो समझ जाते हैं, बोले कि विनोद तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम नेचुरल जैसे वैसे करो अपना, जैसे तुम्हें डांस आता है, जैसे तुम्हें एक्टिंग आती है, जैसे तुम्हें बोलने आता है, तुम वैसे ही करो, मेरा करेक्टर ही वही है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये सब समझ गए, हम भी समझ गए और आपने समझ के एक्टिंग भी कर ली। लेकिन मेन बात, जब किसी ने कैमरा पहले कभी फेस ना किया हो, कभी एक्टिंग की ना हो, जब फीमेल आर्टिस्ट के साथ काम करने का पहला सीन बना जी, तो क्या पोजीशन थी? पहला सीन मेरा गाना था और सैड सॉन्ग था अंजना जी के साथ, मैं थैंक यू बोलूँगा अंजना जी को, उन्होंने काम किया मेरे साथ, वो सुपरस्टार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक प्रतिष्ठित हीरोइन में कही जाएंगी, एक अच्छा इज्जत से नाम लिया जाता है, मैं भी आज भी उनको मैम करके बुलाता हूँ, फिल्म में मेरी हीरोइन है, रियल में सीनियर हैं तो इज्जत करता हूँ।
फिल्म की एक को फीलिंग थी, सिकंदर सर की मैंने एक बात पकड़ी थी, सिर्फ एक बात ने मुझे हीरो बनाया, विनोद एक्टिंग नेचुरल होती है, माँ है तो माँ की फीलिंग लाना, और बीवी है तो बीवी की फीलिंग लाना, और गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की फीलिंग लाना। मैं सब कुछ भूल गया था, सीनियर हैं नई हैं पुरानी में कुछ नहीं जानता, मैं सिकंदर सर की एक बात केवल माना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और इस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं गर्लफ्रेंड से ट्रीट करूँगा, कोई थप्पड़ तो मारेगा नहीं, मारेगा तो ऑफ कैमरा मारेगा, ऑन कैमरा कौन मारने आ रहा है, अपनी फिल्म खराब करेगा, ठीक है। दिमाग में था कि मेरी गर्लफ्रेंड है उसमें ट्रीट करना, सैड सॉन्ग था, चिपकना भी था और गले भी लगना था, रोना भी था और बिछड़ना भी था, गुस्से भी लाने थे, फीलिंग थी, तड़प भी लानी थी, वो सब चीज़ किया मैंने। मैंने जैसे एक गर्लफ्रेंड की ट्रीटमेंट में चला गया, मैं करेक्टर में घुस गया। और सिकंदर सर की मैंने एक बात मानी और इकबाल सर की कि विनोद कल करेक्टर में जीना, ठीक है। और मैं प्रेम नेंगू जी को बहुत थैंक यू बोलूँगा, जो कैमरामैन थे हमारे और डीओपी, उन्होंने मेरे को एक बात बताई अकेले में फर्स्ट डे होटल में, बोले विनोद जी, सुरु विनोद जी मुझे कहके बुलाते थे, कभी नहीं बोला कि विनोद आओ इधर, सब इज्जत से बुलाते थे, आपके लिए करेक्टर में काम करना और कैमरे को मत भूलना, ये सबके एक एक वर्ड मैंने पहले बहुत नोटिस किया, जैसे मेरे लिए ट्रेनिंग थी ना, मैंने बहुत मेरे लिए नया चीज़ था। और सिकंदर सर भी बोले कि बस तुम्हारा जो करेक्टर उसी में जीना और तुम्हारी नेचुरल लाइफ में जीना, जो हो एक्टिंग मत करना, जैसे बोलना हो, जैसे लड़की को छेड़ते हो, बोलते हो, कहते हो, जैसे आम जिंदगी में आम जिंदगी नेचुरल करो, वही तुम्हारा करेक्टर, वही तुम्हें शो करना। अब आखिरी बात ये कि आपकी फिल्म गुंडा जी लोग क्यों देखें, क्या खास बात है? देखिए कहानी तो सस्पेंस है लेकिन गुंडा इसलिए देखेंगे, आम आदमी या कोई भी आदमी गुंडा शौक से नहीं बनता है, उसे मजबूरी में गुंडा बनाया जाता है। और हमारी कहानी में ऐसा कुछ है जो शॉर्टकट रास्ता अपना के लोग गुंडे का या बदमाश का या राहगीर बनते हैं, और हमारी कहानी एक संदेश दी है कि कभी भी किसी इंसान को गुंडा मजबूरी में बनाया जाता है, मजबूरी में बनता है, और शॉर्ट को आगे बढ़ने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी जिंदगी को बचाने के लिए। भोजपुरी मेरी फिल्म में सबसे जब अलग जो चीज़ मिलेगी आपको कि एक पारिवारिक फिल्म है और पारिवारिक फिल्म की और एक कहानी पे काम किया गया, फिल्म पे काम नहीं किया गया कि पर्दा लगा दिया, फिल्म बना दिया, रिलीज कर दिया, मेरी फिल्म में कहानी पे काम किया गया और कहानी एक संदेश युक्त कहानी है और उसमें बैलेंसिंग करेक्टर दिया गया है। हम दो हीरो हैं, सिकंदर सर भी हीरो हैं, मैं भी हीरो हूँ, दो हीरोइन हैं, गुंजन पंजी हैं और अंजना जी हैं, और इसमें तीन विलेन हैं, एहसान खान जी हैं, सुशील सिंह जी हैं और अयाज खान जी हैं, सबके जो करेक्टर बैलेंसिंग है, फिल्म की कहानी यही होती है जो अगर करेक्टर को बैलेंस बना के चलोगे पिक्चर अच्छी बनेगी। ये हमारे पिक्चर में आपको अलग देखना, ये नहीं कि हीरो को उठा दिया, विलेन को मार दिया, कॉमेडी रो रहा है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ हीरो कॉमेडी भी किया है, फाइट भी किया है और पारिवारिक भी लेके चला है। ओके, जो जिसे इस हमारे पिक्चर में एक अलग आपको देखने को मिलेगी। चलिए बिल्कुल देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा लगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।